गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पादड़ी घेर गांव के अंदर एक चालू सर्विस मैन आर्मी मैन के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, जिसके कारण गुजरात सहित पूरे देश के अंदर भारी गर्म माहौल देखा गया था। और जो फौजी को मारा गया था उनका एक बर्बरता के साथ सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते आज गुजरात माजी संगठन के फौजी जवान जूनागढ़ जिला अध्यक्ष कचेरी पे आ चुके हैं और अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। फौजी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि इस घटना में जो भी शामिल है उनको तत्काल नौकरी से घर भेजा जाए और हमेशा के लिए घर भेजा जाए, और जो भी फौजी परिवार के ऊपर ये घटना घटित हुई है उन्हें तुरंत से तुरंत न्याय दिया जाए। अगर तत्काल न्याय नहीं दिया गया तो हम फौजी हैं, हम देश की रक्षा करना भी जानते हैं और आगे लड़ना भी जानते हैं। जबकि गुजरात माजी सैनिक संगठन के प्रमुख ने बताया था कि पुलिस और फौज दोनों दो भाई हैं और पुलिस छोटा भाई है, जब छोटा भाई गलती करता है तो बड़े भाई को कैसे उसको सुधारना है वो भी आता है। इसलिए आज जूनागढ़ जिला अध्यक्ष जिला पुलिस अध्यक्ष की कचेरी पे फौजी जवानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और थोड़े समय में न्याय मिलेगा ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ फौजी जवानों के द्वारा बताया गया था कि ये देश का सिपाही है और देश की रक्षा करता है और उन्हीं की वजह से आज देश सुरक्षित है और हम आराम से रह सकते हैं। ये देश का फौजी है, कोई आतंकवादी नहीं। इसलिए तुरंत से तुरंत पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी सरकार से दरख्वास्त है और पुलिस प्रशासन से भी दरख्वास्त है। Вам не будет.